गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप अपनी पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, आज हमारा टॉपिक है पार्ट 15 गोपी की हाथी जवाबी। इसका हम पहले शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर मौखिक प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, आज हम लिखित प्रश्नोत्तर और सही विकल्प करेंगे। चलिए, इसका सही विकल्प है आपका लिखित का पहला है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ आपका पहला है। आपका क है हाजिर जवाब कौन था, बताइए हाजिर जवाब कौन था, गोपी, सेठी या सेठानी। इसका उत्तर होगा आपका गोपी। फिर आपका क है गोपी की किसकी दुकान थी, तो गोपी की किसकी दुकान थी, रंगाई की। आपका ऑप्शन दिया हुआ है धुलाई, रंगाई या छपाई, तो आपका उत्तर है रंगाई। फिर आपका ग है सेठ जी किसका अवसर ढूंढ रहे थे। आपका पहला ऑप्शन है कपड़ा लगाने का, गोपी को तंग करने का या गोपी की प्रशंसा करने का। इसका आपका उत्तर होगा दूसरा उत्तर, गोपी को तंग करने का। सभी अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। फिर आपका घ है मेहनती और बुद्धिमान कौन था। आपका इसमें विकल्प दिए हुए हैं गोपी, सेठ जी या दोनों। तो इसका उत्तर होगा आपका गोपी। चलिए, ये आपके लिखित के सही विकल्प है। पहला प्रश्न का लिखित का इसको सभी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। फिर इसके बाद है आपका प्रश्न उत्तर, प्रश्नों के उत्तर है। इसके बाद आपका प्रश्नों के उत्तर में कौन है आपका गोपी का नाम। पहला प्रश्न है आपका गोपी का नाम दूर दूर तक क्यों फैल गया था। इसका उत्तर होगा आपका गोपी बहुत अच्छे कपड़े रंगता था, इसलिए उसका नाम दूर दूर तक फैल गया था। गोपी बहुत ही अच्छे कपड़े रंगता था, इसलिए उसका नाम फैल गया। ये आपका पहला प्रश्न है। फिर आपका प्रश्न दो है ख वाला प्रश्न, सेठ जी को गोपी की प्रशंसा सुनना अच्छा क्यों नहीं लगता था। आप जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो सेठ जी थे उन्हें सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना ही पसंद था, किसी अन्य की प्रशंसा सुनने से उन्हें जलन होने लगती थी, ईर्ष्या होने लगती थी। इसका उत्तर है आपका सेठ जी को अपने अलावा किसी भी अन्य की प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता था। वे गोपी से ईर्ष्या करते थे, इसलिए गोपी की प्रशंसा सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। यह आपका दूसरा उत्तर है। चलिए, इसके बाद हम प्रश्न तीन करेंगे। ग वाला आपका आपका प्रश्न तीन है, सेठ जी कपड़े को किस रंग में रंगाना चाहते हैं। ये सभी अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आप
से क्यों रह गए? इसका प्रश्न है, गोपी का उत्तर सुनकर सेठ जी उसका मुंह ताक के क्यों रह गए? क्योंकि सेठ जी को उसने उत्तर ही वैसा दिया था। सेठ जी समझ गए। गोपी का उत्तर सुनकर सेठ जी समझ गए। सेठ जी समझ गए कि मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई है। मुझ पर ही उल्टी पड़ गई है।